ਇਤਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ 1 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਮਤਰੂਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਨਾ ਆਂਦਾ ਸਿਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਨ ਦਾ ਬਤਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> 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 حدثنا الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب حدثني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلب هي نستل بسل وحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله फ़ामा उस्ामतो फ़ारा बिल्ल़ या लमो मिन बरात हल ही वम्मा अलीफ़ लम जय्ल का वन सावाहा तसील वसल जारीयतः तसदुक्का फ़ाला हलरत मिन शयन जुरीब कलत मारुमा मारई तमरा अक्सर मिनह जारीतुन हदीसतन تنام عن اجين اهلها فتات الداجن فتاكله فقام على المنبر فقال يا ما حدثنا يحيى بن ابي زكريا الغساني عن هشام عن أروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما تشيرون علي في وعن أروة قال لما أخبرت عائشة بالأمر قالت या रसूल याताज़न अन तल़ाला अहली फ़ अजील्हारसा माह ़ुला वक़ाल रजूल नसार सुबहान का मायकून बिहाज़ा सुबहान कजा बोहतानुलजीम الله <applause> الله اكبر الله اكبر الله اكبر <تصفيق> 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 आज ये सारे गायब ने ना इन्ह आ आज पता करो कि कड़ा कड़ा आया से दे गायब होया ना इन सारे इधर आज देला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद तरक्तफ़ी तो कम अमरा लंतिल्लु माँ तमस्क तुम बेह मा, मा। किताबुल्ल वसन्नति या किताबल्ला वसन्नत वसल्लम इसके अंदर हमें जो हिदायत की गई है वो ये है कि तुम्हारे लिए ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर तुम इनको मजबूती से पकड़े रखोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे लन तजलु कभी तुम गुमरा नहीं होगे ये गोया कि हमारे लिए एक बहुत ही मजबूत कड़ा हमें दे दिया गया है जैसे कुरान मजीद में, में है नबैया न रुशत में नल गई तो मई यकफुरब तागोत बम बिल्ला फ़क़स्तम सकबिल वत लनफ शाम इसके अंदर देखिए क्या चीज़ बताई है कि जिसने तागुती उवतों के साथ कुफर किया और इस शरीयत के साथ ईमान लाया और वो अल्लाह के साथ ईमान क्योंकि अल्लाह ताला की अब हिदायत यही है हुक्म यही है कि शरीयत मोहम्मदिया जो है इसको जो है वो अब अपना मामूल बनाया जाए जैसे नबी अक्रम सर रसम का एक इर्शाद है कि मेरी बाकी अम्बिया की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक बड़ी शानदार इमारत हो हर एबार से वो इमारत जो है वो आलम मैार की हो लेकिन एक तरफ उसका कोना जो है वो खाली है वहाँ हाँ जी ठीक है इसके ऊपर रखा ये कोना जो है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और इसके साथ आपने पहली शरीतों को जो है ये ये ताक़यामत शरीत ये असल में बहुत बड़ी चीज़ है कि अब एक ऐसी शरीत आ गई है कि जो अब इंसान का वजूद सिर्फ उसके सामने है कि इंसान जो है जहाँ जहाँ भी पाया जाए कोई इलाका हो वो इस शरीत का मुखातब है और ताक़्यामत ताकि आवत पैदा होने वाले इंसान जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं और ये बात मैं आपको पहले वादे कर चुका हूँ कि आदम से लेकर तमाम अम्बिया जो हैं नबी अक्रम अलैहि वसल्लम की इस तरह से उम्मत बन चुके हैं कि उन तमाम ने अल्लाह से ये किया हुआ है वही खतल मीसाक़न नबीना आयत जो है उसके अंदर इस का बयान हुआ है कि अगर नबी अक्रम की ज़िंदगी में यानी वो वो अपनी शरीतें छोड़कर नबी अकरम सस्म की शरीतों पर जो है वमिल पैरा होंगे तो इसके मुताबिक तो इन्हा हाज ही उमत कम उम्म वाहिदा ये सूरत अम्बिया में भी है इसी तरह सूरत मोमिनून में भी है तो ये तमाम उम्म जो है वो ये तमाम अम्बिया इसमें शामिल हैं कि अम्बिया का दिन जो है वो एक है गोया कि फ़िरकाबंदी अम्बिया में भी नहीं है हमारा इतना आला काम और फिर हमारी शरीयत का जो असल मकसद है वो ये है कि इंसान जो है वो अल्लाह ने इसको बहुत एक आला अंदाज से जो है वो इंसान को सेट किया हुआ है लकद खलक न इंसान फ़ी अहसान तकवीम सुमरदत ना होसफर साफ फिर तकदीरी तौर पर अल्लाह ताला जो है वो इस आला तरीन इंसान को जो है वो दुनिया के अंदर जो गिरी हुई चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा जो है वो गिरी हुई चीज़ बना देते हैं और इससे क्या मकसूद है कि जब इंसान जो है वो शरीर पर अमल पैरा होता है तो उस वक्त वह अला तरीन होता है और जब वो शरीत को छोड़ देता है तो फिर उसके बाद वो उतना ही गंदा हो जाता है एक बात मैं आपको ये भी बताऊं कि आम तौर पर जो खैर होती है शैतान का काम है कि सबसे बड़ी खैर पर हमला करना हमारे यहाँ जो लोग जिनको जिन्नों और श्यान से वास्ता पड़ता है वो अपने तजर्बात की रोशनी में ये बताते हैं कि शैतानी कोवतें सबसे पहले उस फर्द के ऊपर हमलावर होती हैं जो सबसे आला हो हर एतबार से तो मैं वैसे आपको इस इसलिए एक, एक वाक़ा बता देता हूँ कि उसका ताल्लुक़ जो है वो मेरे साथ यूँ है कि हमारी सूरत हाल ये है कि हमारे ननिहाल के अंदर जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने जो है वो लाहौर की ज़मीनें बेचकर जो है वो सिंध के अंदर ज़मीनें ले ली थी और आज भी जो है वो नवाब शाह के करीब दो स्टेशन हैं एक का नाम है शफी और एक का नाम है शरीफाबाद तो शफी जो है ये मेरी वालदा के सगे मामू हैं ये एक ही थे बाकी तो मेरी वालदा की दो खाल खलाएँ खा, हैं और एक जो है वो हम जो मेरी वालदा की खाला थी एक तो माँ हुई ना तो हम मेरी नानी जो है वो बेचारी बहुत छोटी उम्र में अट्ठाईस साल की उम्र में अल्लाह के पास चली गई तो उसके साथ में ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी वालदा की खाला थी उनका नाम अमतुल्ला था तो वैसे ही है कि चूंकि इन्होंने वहाँ जागीरें ख़रीदी थी इसलिए ये बहुत बड़े जागीरदार समझे जाते थे तो इन्होंने फिर अपनी ज़मीनें ज़मीनों में से अंग्रेज़ को जो है वो ऐसी ज़मीनें मुफ्त दी जहाँ फिर इनके नाम के स्टेशन जो है वो क़ायम हुए अब ये मीरपुर ख़ास की जो लाइन है उस पर शफियाबाद जो है वो है इस तरह शरीफाबाद भी है तो शरीफ जो है ये मेरी वालदा के खालू हैं तो मैं ये भी आपको बताता चलूँ एक तारीखी बात है कि मेरी वालदा की खाला के फौत होने के बाद जो है वो फिर इन्होंने दूसरी शादी की थी मेरी वालदा के खालू ने तो अलामा मशरक़ी जो हैं उनकी बहन से तो अलामा मशरकी जो हैं वो आम तौर पर वाल साहब बयान करते हैं कि मैं जब भी नाश्ता करता या और इस तरह के मामला होते तो उसमें अलामा मशरक़ी भी मेरे साथ ही होते थे चलिए मेरा इस वक्त मकसूद सिर्फ़ आपको ये बताना है कि, कि अल्लाह ताली ने हमें जो हिदायत दी है वो ये दी है कि हम जो है वो आला इंसान बने इसीलिए मैंने आपको ये यह वाक़ सुनाया था कि मुझे पहली दफ़ा जब बरतानिया का वीज़ा लेने की ज़रूरत हुई तो उसने मुझे पूछा पूछा कि मतलब क्या होता है तो मैंने कहा मतलब ये होता है कि इंसान को जो है वो फिर अली तरीन इंसान बनाता है अब ये बिल्कुल एक नया सुर था तो खैर उससे वो मुतासर भी हुआ फिर बाद में जो है वो मेरी इज्जत भी उसने की मगर मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि मज़हब का तस्वुर जो है वो असल में अली तरीन इंसान और अली तरीन इंसान जो है ये एक ऐसा मसला है कि आपको ये पता है कि फरिश्तों के अंदर जब ये बात आई थी ना कि मैं एक ऐसी मखलूक पैदा कर रहा हूँ जिनके अंदर जो है वो एक दूसरे के पीछे आने का निज़ाम होगा जख्लूक वाजो हम बाज़ा तो उस वक्त फरिश्तों ने यही बात कही थी कि नहीं अगर आप इबादत चाहते हैं तो हमसे ज़्यादा इबादत कौन कर सकता है तो जिस मखलूक की आप बात कर रहे हैं वो तो ज़मीन के अंदर कतलो गारत भी करेगी और फसाद भी फैलाएगी तो उस वक्त भी अल्लाह ताला ने जो है वो क्या बताया था कि एक तरफ़ अक्सरियत जो है वो गंदे लोगों की है लेकिन अच्छे लोग होते तो बहुत थोड़े हैं लेकिन वह अपने मैार के मुताबिक जो है वो एक, एक शख्स हज़ारों पर भारी होता है तो इस तरह से अल्लाह के यहाँ जो है क्वालिटी है क्वान्टी की कोई अहमियत नहीं है मैंने ये आपको इसलिए बताई है कि हमारी इसको सूरत हाल ये बन गई है कि अभी मैं आपको कह रहा था ना कि जितना कोई आला शख्स होता है जब वो गिरता है तो फिर नहायत जो है वो गंदगी की तरफ जाता है आप देखिए कि मौलाना मोहम्मद सूरती वो कितने पक्के जो हैं वो मुवाहिद थे और इसी तरह जो है वो शरीयत के किस तरह जो है वो दिलदादा थे तो मैंने उनका शेर भी आपको जो है वो सुनाया था कल सूरत ये बनी के उनका बेटा जो है वो परवेज का साथी बनकर परवेज के काम करता रहा और फिर एरदसों के ख़िलाफ़ जो है सबसे आगे वो होता था और मुझे याद है उन्नीस सौ सत्तर में जब हमने मुहदस निकाला है आज से पचास साल पहले आप समझिए तो सबसे पहले मुहदस के अंदर जो इदारिया था कि एलदीस का माजी हाल और मुस्तबिल उसके ऊपर जो है वो फिक्र नज़र का वो एडिटर था तो उसी ने जो है वो इस पर एतराज़ा किए थे और बड़ा इतराज़ ये था कि एहदीस जो है वो एक फ़िरका है बार तो वो तो मज़मून पढ़ा जा सकता है तो हमने उसका फिर जवाब भी दिया था ये इब्तई शुमारों में ही ये चीज़ मौजूद है लेकिन मैं आपको बताना ही चाहता हूँ इसी तरह आप देखिए कि अलदीस की जो खदम्त पर बहुत बड़ा काम किया है वो मौरना इमाम खान शहर भी थे एक सोदरा के रहने वाले थे और उनकी जो औलाद है वो इसलिए मुझसे प्यार करती थी कि आम तौर पर जब मौलाना इमाम खान शहर भी मस्जिद कुदस के अंदर जहाँ मैं नाजिम भी था और तंजीम आरदीस का एडिटर भी था जब वो आते तो मेरे पास बहुत बैठा करते थे फिर बाद में उनकी औलाद के साथ भी मेरा ताल्लुक जो है वो गहरा हो गया लेकिन मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि उन उनकी औलाद के अंदर जो ज़रा नुमाया थे उनका रुझान जो है वो सोशलिज्म की तरफ था इसी तरह आप देखिए कि मौलाना कादर कसूरी कितना जो है वो एक आला इंसान है ये वैसे तो बैरिस्टर थे कानूनदान थे तो वकालत करते थे लेकिन ये है कि इनके ख़ानदान और ये वो शख्स हैं जिन्होंने जो है वो अलदीस को फिरका बंदी से बचाने की कोशिश भी की तो इनके ख़ानदान के अंदर जो दीनदार थे वो तो बहुत दीनदार थे जैसे कि इनके एक बेटे मोहम्मद अली हैं और वो एम ए जो है थे उनका एक बेटा जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक अरसा जो है वो अबूरी वजीरम भी रहा है अमेरिका से उसको बुलाकर जो है वो यहाँ मोनुलद्दीन कुरैशी उसका नाम था तो वो यहाँ आप देखिए कि अब उनकी औलाद की क्या हालत है वैसे जो दीनदार हैं वो तो अलहमदल काबिल रश्क हैं ख़ास तौर तो पर ये उसामा मऊद जिसको शहीद कर दिया गया सेक्रेटरी के बाहर तो ये तो बहुत दीनदार हैं और इनके उसामा मऊद के भाई जो है मोहम्मद अली मऊद जो है वो इसका हयात हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा दीनदार हैं कि दिशों से भी दूर रहते हैं आपको वैसे वो इंजीनियर हैं लम्स के अंदर जो है वो डीन भी रहे हैं अब मुझे आजकल पता नहीं है कि आजकल कहाँ है तो मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि आप देखिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना उनकी औलादें फिर मैंने कल आपको शायद बताया था कि ये जो अब्दुल अजीज़ मेमन थे जो यहाँ कॉलेज के के अंदर जो है बहुत नुमाया थे ये नहीं अरबी ज़ुबान के तीन अदीब जो हिंदुस्तान के अंदर माया नाज हैं उनकी जो औलाद है वो अमरीका में बैठी हुई है और इसका जो है बड़े जहीन अरबी ज़ुबान से भी वाकिफ़ हैं तो इसलिए उनका काम यह है कि अर कि वो अब ये सुपर कुतों की जो है वो ख़िदमत कर रहे हैं कि उनका जो इलम है और उनकी जो तहज़ीब है उसके जो है वो तर्जमे करके कर कर जो है वो इस्लामी मुल्कों के अंदर जो है वो जेन ख़राब करते हैं तो इसी तरह मैं आगे बढ़ जाऊँ तो ये बात जो है वो सामने आती है कि आप देखिए हमारे एल के अंदर जिन्होंने जो है वो जदीदलूम का भी बहुत भरपूर मताल किया और ख़ास तौर पर मनतिक फलस के वो बड़े माहिर थे और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने एलदीस मदारस से पढ़ने के बाद जो है वो नदवे में जाकर जो है वो तलीम हासिल की और वहाँ नदवा के अंदर तारीखी ओव और इसके अलावा जो मनतिक फलसा है इसका भी क़ उनको बहुत था तो लेकिन जब वो भटके हैं तो कोई आदमी जो है वो ये आज दावा करें हमारे तो आम तौर पर जो जाहिरस हैं उनका था तरीक़ेकार ये है कि वो इस सियासत के अंदर पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अपना जवाब झूठने के लिए कह देते हैं कि जी असल में सियासत तो अंबिया का काम है लेकिन ये बेकयाबनी सियासत जिसका जो है वो तुर्रा इम्तियाज क्या उसकी बुनियाद भी यही है और सब कुछ यही है इसके अंदर तो एक ही बात है धोखा और फ्रेन तो धोखा और और फ्रेब की मिसालें तो साफी बात है कि मेरी ज़िंदगी में गुजरी हैं लेकिन मैं नहीं चाहता इस वक्त के किसी ऐसी बात को उछालूँ जो पुरानी हो चुकी है तो लेकिन ये है कि जो सियासत में आ गए हैं उनके अंदर खैर कोई नहीं है बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ उनका काम ही धोखा है कहने को वो कितने भी बुज़ुर्ग बनने की कोशिश करें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मौलाना आनीफ नदवी साहब ने जो अपने नतीजयात के बारे में जो किताब लिखी तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो गलत बात है कि दावा यह किया कि इस्लाम का कोई सियासी निज़ाम है ही नहीं और ना इस्लाम का कोई माशी निज़ाम है इस्लाम का काम सिर्फ इतना है कि वो देखे कि बुनियादें जो हैं वो इस्लाम की क्या है तो उन्होंने कहा कि माशी निज़ाम की बुनियादें जो हैं वो तो कम्युनिज्म की हैं तो इसलिए इस्लाम का माशी निज़ाम जो है वो तो कम्युनिज़म है।, तो है, है और इस्लाम का जो सियासी निज़ाम है वो जमहूत तो आज चूँकि ये शुरा की बात आई है और शुरा के अंदर बहुत बड़ा मकालता ये दिया जाता है कि असल में वो एडिटर रहे हैं क्योंकि ये मौलाना इसमाइल सल्फी साहब के साथी थे शायद उनके शागिद भी हों लेकिन मेरे ख्याल में साथी ही थे तो अब सूरत ये है कि ऐसे लोग जब जो वो भटक जाते हैं फिर उसके बाद क्या बात रह जाती है जो आम आदीस हैं वो तो इनके पीछे लगने वाले हैं इसी तरह आप देख लीजिए कि मैंने अब्दुल कादर कसूरी की बात की थी उनका बेटा जो है पीपल्स पार्टी के अंदर भुट्टो का वजी क़ानून था अली कसूरी और उन्हीं का बेटा जो है वो खुर्शीद कसूरी है जिसकी अब यूनिवर्सिटी है लेकिन उस यूनिवर्सिटी का तुर इम्तिया क्या है कि वो सेकुलरिज्म की बहुत जो है वो परचार। बड़ी प्रचार कर प्रचार करने वाली है तो वैसे तो उसकी बेगम के नाम पर ही सारा काम हो रहा है लेकिन वो ख़ुद भी तो ऐसा ही है लेकिन बात यह है कि हमारे अरदीस जो है वो उसको भी कह देते हैं कि जी वो चूँकि वो भी रफाई दहन वगैरह करते हैं इसलिए वो वो भी अदीस अब अरदीस का माना क्या हो गया कि रफ दहन कर लेना बस ये अरदीस अच्छा अब मसाइल जो है ना वो इम्तियाजी मसाइल बना कर ये फ़िरकाबंदी के समय सारे मसाइल हैं मैंने आपको इसलिए इशारा किया है कि हमारी जब सूरत हाल ये बनी कि एहल ने भी सियासत के अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया और उस वक़्त जो थे वो एल हदीसों में जो कच्चा देख नुमाया नाम हैं वो जो हैं वो मुख्तलफ जो सियासी जमातें थे उनसे वबस्ता हो गए जिनमें मौलाना अताउलानीफ और मौलाना दाऊद गजनवी ये तो सारे जो थे वो कांग्रेस से वाबस्त थे तो इसलिए मौलाना अतावालीफ जो है वो कांग्रेस की जो अलामत थी ना वो खद्दर का लिबास हमेशा वही पहनते थे तो इसी तरह ये तो वहाँ वाबस्ता हो गए तो उसके बाद फिर वो वक़्त आया जबकि मौलाना दाऊद गजनबी ने पाकिस्तान बनने से एक साल पहले जो है वो अपनी सियासी पार्टी तबी तदि, तब्दील कर ली तो मुस्लिम लीग में आ गए अच्छा उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो इन लोगों को ख़याल आया कि हमारी हमायत जब तक नहीं होगी उस वक़्त तक जो है वो हम मरूफ नहीं हो सकते ना कोई हमारा वजन होगा तो इसलिए ये सोचा गया कि एल हदीस आवाम को जो है वो एक सियासी तौर पर मनज़म कर लिया जाए और सियासी तौर पर मनज़म करने के लिए चूँकि वो दौर था खतीबों का और खतीब छाए हुए थे तो इसलिए खतीबों को जो है वो इस बात पर लगाया गया कि वो वो जो हैं उनको इकट्ठा करके एक पार्टी बना दी जाए और उसके लिए मरकजी जमी तारदीस के नाम से जो है वो एक तंजीम तश्ल दी गई हालाँकि सुरत हाल ये है कि ये जो तंजीम तश्कल दी गई है उसका कोई तस्वुरा इस्लामी नहीं था वो निक्याबनी सियासत के लिए ही जो है वो तंजीम बनाई गई थी तो इसलिए मैं आज की जो गुफ्तु है उससे पहले ये तमहीद बांध रहा हूँ कि जब ये बनाई गई तंजीम और इसका मकसद सियासी था तो इसके अंदर जो है वो हा, 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 हमारे ख़ानदान के साथ और भी शामिल थे तमाम बड़े बड़े इसमें शामिल थे खास तौर पर वो जो सियासतदान नहीं थे पंजाब के अंदर एक अहदीसों की तंजीम उसका तर्जुमान था जिसका नाम तनजीम लदीस था और मैं इस तनजीम लदीस का जो है वो उन्नीस सौ साठ से एडिटर भी रहा हूँ दस साल मेरा नाम जो है उसका अभी मदीना नहीं गया था तो हाफिज अब्दुलरम अमरतसरी के नाम से मेरा नाम छपता था तो मैं बताना ही चाहता हूं कि उस वक्त ये सूरत हाल बड़ी ही ज़ोरदार थी एल हदीसों के इख्तराफ़ की तो मैं इससे पहले छोटी उम्र में जो मेरे भाई भी थे तायादात और मेरे बहन भी और वालिद की जगह ये तो किसी के जानते ही कुछ नहीं है क्योंकि सियासतदान का काम ये होता है कि सियासत के वक्त तो कहता है कि हर एक मेरा है लेकिन जब कोई उससे मुकाम मिल जाता है फिर उससे मुलाकात मुश्किल होती है ये आम तौर पर सियासतदानों का मामूल यह कि आप किसी सियासतदान से मिल नहीं सकते इंतख्या के अंदर जो लोग कामयाब हो जाते हैं उनसे मिलना ही सबसे बड़ा मसला होता है तो यही सूरत हाल जो है वो जब बन गई तो मौलाना दाऊद गजनी के ख़िलाफ जो है वो खतीब लोग जो समझते थे, थे कि अवाम की नब्ज़ हमारे हाथ में है वो ख़िलाफ़ हो गए तो फिर खतीबों ने जो है वो हाफिज़ अब्दुल हाफलका रोपड़ी के साथ रबता करके जो है वो कहा कि हम जो है वो एक नई जमात जो है वो बनाते हैं मौलाना दाऊदी के ख़िलाफ़ अगर ये इस तरह की जमात की जो सोच थी ये थी तो बहुत पुरानी जब से वो जमात बनी थी चूँकि इनका जो है वो ये दावा था कि दाऊद गजवी साहब ने जो जमात बनाई है चूँकि उसकी असल बुनियाद में क्या सियासत है तो इसलिए वो वो कहते थे कि ये एडिटर भी था तनजीम रदीस का और मेरा एक ताल्लुक़ इलम से भी था मैं बहुत छोटी उम्र में ही अल्लाह का शुक्र है कि इलमी तौर पर मैंने अपने अंदर पुख्तगी अल्लाह के फजर से पैदा हो गई थी तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि इन मसाइल का मुझे जो है वो बखूबी इलम था तो उस वक्त जो सूरत हाल ये बनती थी कि गुफ्तु होती थी मुझे वो गुफ्तगुएँ याद हैं जो मौलाना मई लखवी अपने डॉक्टर हमद के वालिद जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा दीनदार थे तो मौलाना मोनुलद्दीन तो खैर सियासत में ज़्यादा जाते थे लेकिन मौलाना मैद्दीन लखवी जो थे ना वो ज़्यादा परहेजगारी में आते थे बल्कि आपको बताऊँ कि एक तुर्र इमतियाज़ उनका यह है कि जमात इस्लामी ने उन्नीस सौ इक्यावन के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर इलेक्शन में हिस्सा लिया था इससे पहले मौलाना मौदूदी जो हैं वो जमहूरीत की से बहुत नफरत करते थे तो उनकी तहरीरें मौजूद हैं लेकिन जब उन्होंने हिस्सा लिया उन्नीस सौ इक्यावन के अंदर तो जमात इस्लामी को जो है वो सिर्फ एक सीट मिली थी और वो एक सीट जो थी वो मौलाना मोदी लखवी की थी ये जमात इस्लामी के की तरफ से कामयाब हुए थे एक सीट जो है वो मिली थी और वो सिर्फ कामयाब कौन आदमी था मौद्दीन लकवी आप इस बात को छोड़िए जाती था कि नहीं सवाल यह कि उनका एक मुकाम था ना यही वजह है कि इस हल्के से आज तक जो है वो ख़ानदान जो है वो इंतखाब लड़ता है ये कसूर और कसूर से आगे चुका आगे चुका हल्का है तो मैं आपको जो है वो इस वक्त ये मैंने मसला इसलिए छेड़ा है कि ये जो वामरम शुरा बैना हूँ मैं ना इसके ऊपर जो है वो एल अदीस के अंदर बड़ा इख्तलाफ रहा है कि वामरुम शुराबैना उनसे मुराद क्या है तो एल अदीस मैंने आपको बताया कि जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि जो बड़े बड़े लोग भटके हैं वो वो लोग हैं जो नाम तो किताब सनत कर लेते थे और बटक कर कहाँ चले गए इसी जी इसलिए मैंने आपको जो है ये बात कही थी कि इस वक्त हमारी जमात जो है जिसके अंदर एक बड़ी तंजीम जो है वो कहती है कि हम ही सब कुछ हैं अव्वल तो वो तंजीम जो है उस मैंने आपको बताया उसकी बुनियाद ही सही नहीं थी लेकिन हालत यह है कि उनके मुँह से ये बात भी नहीं निकलती कि हमारा दस्तूर जो है वो किताब सन्त हो सकता है किताब सन्त दस्तूर हो ही नहीं सकता इन राज अगर ये बात हमारे उन लोगों के मुंह से निकलती है जो कहते हैं कि हम तमाम के हम नुमाइंदा हैं ये ठीक है कि मदारस जो हैं वो उनके नहीं हैं लेकिन वैसे वो किताबों में उन्होंने जो किताबें तैयार की हुई हैं उसमें लिखा हुआ है कि पूरे पाकिस्तान के आलीस के मदारस जो हैं वो हमारे हैं तो ये ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह की सियासत में तो वो ये कर रहे हैं लेकिन असल सूरत हाल जो है वो ये है कि अच्छा ये मसला जो है ना कि निज़ाम इमारत जो है क्या है या असल में वैसे तो मसला पुराना है मैं इस मसले को पूरी तरह इसलिए नहीं खोल सकता कि फिर बहुत हम लंबे चौड़े जो हम इसमें चले जाएंगे कि उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जब ये तंजीम का मसला पैदा हुआ है तो तसुर तो यह था कि वो हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा है फिर नौबादी आबादी आती है तो इसलिए हम जो है वो अपनी तंजीमें बनाकर जो है वो काम वो करेंगे जो एक मुसलमान हुकूमत का होता है तो इसलिए ये इब्तदाई अख्तलाफा के ये जो तंजीमी हैं क्या ये इमामत कुरा होती हैं या ये इमा, इमामत सगरा हैं इसके लिए इस तरह के अख्तलाफा हाँ वो गुजरा वाला में बनाया गया और उसकी या जो गुजरा वाला मौला में मौलाना इसमें सल्फी इस का मदरसा ये उसकी मरकजी दरसाती थी तो बल्कि मुझे तंजीमा हरीदीस के वो सबका परचय देखने का मौका मिला उसके अंदर हमेशा मरकजी दर्ज के लिए जैसे आज जाम सल्फिया का नाम लिया जाता है मरकजी दर्ज के लिए चंदे दो तो मौल इसमें सलफी साहब की तरफ से ये सारे काम होते थे इसलिए कि वो तंजीम रदीस जो थी उसके बड़े रहनुमाओं में से थे लेकिन हुआ बाद में ये कि जब उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद असल सवाल भी पैदा हुआ कि पाकिस्तान बनने के बाद कोई तंजीम जो है उसकी क्या ज़रूरत है इसलिए कि या तो कहें कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो काफराना हकूमत है तो इसलिए वो जो तस्वुर था कि बरतानिया के तहत हम उसको नहीं मानते इसलिए हम जो तंजीम बनाते हैं वो तंजीम जो है वो हमारी शरी नज़ाम के मुताबिक होगी तो उस वक्त तो ये तस्वर बड़ा वाजह था लेकिन जब बाद में सूरत हाल ये बन गई कि पाकिस्तानी हुकूमत आ गई तो अब जो सोचें बदल गई तो उनके बाद जो फिर तंजीम साजी हुई है ना तो उसके अंदर फिर ये बात जो है ये इख्तराफी हो गई अगरचे मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि असल बात यह है कि हमने चूँकि जदीद वलूम का मताल नहीं किया हुआ हमारी जो इमरानियात है ना माशरत उसके अंदर जो तनजीमें हैं ना उनके बारे में तफसीली जो है वो बासें हैं ये तंज़ीमें जो हम बनाते हैं हकीकत ये है कि ये तंज़ीमें जो हैं ये बुनियादी तौर पर ये समाजी और फ़िक्री जो हैं वो तंजीमें होती हैं और इनको जो है वो अंज़मन से बयान करते हैं ये अंजमने हैं अगर आप जो है वो माशर्ती सोशियोलॉजी की किताबें निकालेंगे तो आपको जो है वो माशरती अंज़मनों का तस्वर मिलेगा और वो माशरती अंज़मने जो हैं वो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए हो सकती हैं कोई दफाही मकसद से भी हो सकती है कोई जो है वो इस मकसद से भी हो सकती है कि वो कोई ख़ास अंदाज सिर्फ इल्मी और फ़िक्री काम करे तहकीकी दारा जैसे इसी तरह जो है वो हती के दरस गहें भी जो हैं वो भी इसी के तहत आती हैं उनकी जो इंतज़ामिया होती है वो भी एक अंजमन होती है और अंजमन के लिए जो अरबी जुबान का लफज है वो क्या है जमीयत यानी अंजमन अरबी जुबान में उसको जमीयत कहते हैं लेकिन मगरबी पाकिस्तान और मशर्की पाकिस्तान चूँकि मशर्की पाकिस्तान के लमाश है उनके रबते तो थे लेकिन जो इसको पहली तंजीम बनाई गई वो मगरबी पाकिस्तान में जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान है उसके अंदर जो तंजीम बनाई गई तो हमारे जो आम वो माज जो गैर सल्फी जेन के थे वो ये कहते थे कि असल में आप छोटा काम करें या बड़ा काम करें इस्लाम ने जो हमें तस्वुर दिया है नजम का उसकी बुनियाद एक फितरी नजम है और वह फितरी नजम क्या है वो फ़ितरी नज़म ये है कि एक ख़ानदान होता है अब वो ख़ानदान बनता है जब देखिए ना फितरी नज़म ये होता है कि एक मर्द जो है वो किसी औरत से शादी करता है वो उस वक़्त नजम का सरबरा होता है कबाम होता है उसके बाद फिर उसकी औलाद भी हो जाए उसका घर फैल जाता है तो उस वक़्त भी वही सरबरा होता है तो फ़री नज़म के अंदर जो है वो बाप जो है वो सरब्राह होता है लेकिन ये भी आपको बता दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो है वो ये करार दी है कि बाप से ला तल की तो इसीलिए वो जो एक लंबी हदीस है जो ख़ास तौर पर हज़रत उमर रजी अल्लाह तो का आखिरी खिताब है उसके अंदर उन्होंने जो है वो कुरैश के बारे में जो है वो जो बातें हुई थी और सिद्दीक ने जो बातें की थी मैंने आपको उस वक्त भी ये बताया था कि कुरैश के बारे में जो असल मामला है वो ये है कि कुरैश जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना कि कि कुर, कुरैश में से जो है वो होंगे खलीफा या इमाम तो असल में ये पेश कोई है इसको खाम के रसूल का हुक्म नहीं बनाना चाहिए गोया कि पेश कोई का माना ये होता है कि वो बा काम सही हो या गलत हो लेकिन आपने फरमा दिया जैसे कि मेरी उम्र जत्तर फिरके हो जाएगी अब क्या कहेंगे कहीं अल्लाह के, के जुक हु है कि तेहत्तर फिर बनो पेश ये पेश कोई है इसी तरह आईमतनक्रैशन जो है ये पेश कोई थी और नबी अकरम अक्रम सन चूँकि उनको वही होती है इसलिए पेश कोई गलत नहीं कर सकते आपने फरमाया कि बारह खरीफे जो हैं उनके दौर तक इस्लाम जो है वो ही रहेगा जी तो कहने का मकसद मेरा यह है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये उस वक्त चूँकि बड़ी जेरबास आती थी इसलिए मैंने आपको जो है वो बताया है लेकिन आज मैं तकबल के लिए एक बुनियाद जो है वो ये काम करना चाहता हूँ कि मौलाना महीद्दीन जो लखवी थे उनसे वो गुफ्तुएँ जो वाल साहब ने उनको शरी निज़ाम के बारे में कई नशस्तों में समझाई थी और वो अलहमदिल्ला चूँकि मुखल आदमी थे इसलिए कहा बिल्कुल शरी निजाम मैं इसको समझता हूँ तो वाल साहब तो फिर ज़्यादा बीमार थे इसलिए फिर बाद में तो वो इस निज़ाम में शामिल नहीं हुए लेकिन जो मौलाना मोदी लखवी का इंतबाब हुआ था ना उन्नीस सौ उनसठ के अंदर वो वालद साहब की यानी ज़िंदगी के आखिरी महीनों की बात है तो उस वह उसमें शर्क हुआ था ख़ुद तो वहाँ ये हुआ कि मौलाना मौईद्द्दीन लखवी साहब को जो है वो एक जमात हदीस के नाम से खतीबों ने मिलकर जो है वो उनको अमीर बना दिया और बड़े बड़े जो उसमें शामिल थे मैं उसमें हाफिदुल्ल्ला रोपड़ी भी थे हाफिज अमद गोंदलवी भी थे और इसी तरह बड़े बड़े थे जो सिवाए उन लोगों के जो करता दर्ता थे मरकजी जमीदार जमीतिस के वो उसमें शामिल नहीं थे मौलाना इसमें सेल्फी मौलाना दाऊद गजनमी और मौलाना अताउला हनीफ या हनीफ नदवी मौलाना हनीफ नदवी वगैरह ये लोग उसमें शामिल नहीं थे तो मैं चूँकि ये सारे काम में ख़ुद भी वहाँ शरीक था और मैं एक बच्चा होने के बावजूद यानी बच्चा के माना ये था मैं इतना छोटा भी नहीं था मेरी उम्र उसको सोलह साल की थी तो इस उम्र में जाहिर है कि एक आदमी जो है वो समझदार होता है तो मैंने एक एक चीज़ जो है वो इनकी समझी खासतौर पर जो वारिस साहब की गुफ्त मौलाना मोही लखी से होती थी सूरत आर ये बन गई कि जब खतीब अजरात इनका जो है वो दौर खास तौर पर उन्नीस सौ सत्तर तक बड़ा यजीन था जमात बन गई ना उन्नीस सौ उनसठ के अंदर उन्होंने अपना नाम रखा जमात क्योंकि वो अपने आप को अंजमन के तसव्वुर से नहीं जो है वो मुतारफ करवाते थे और ये कि बारे में फिर जब वो सियासत में आ गए तो शरीय का निजाम जाता रहा देखिए ना हमारे खानदान के अंदर जो सियासत में आए हैं नुमाया होकर वह आपका तो रोपड़ी हैं जो मेरे तायजाद भाई भी हैं मेरे बहुत मोहतरम भी हैं तो उन्होंने जब सियासत में कदम रखा तो क्या हुआ कि वो नसरुल्ला खां की पार्टी में जो है वो शामिल हो गए और उसका नाम ही जमहूरी पार्टी था तो हाफि बता था रोपड़ी जो है वो इस पार्टी के जब नायब अमीर बन गए तो फिर उनकी सारी सियासत इसी के नाम से हुई है इससे पहले हमारे ख़ानदान का जो है वो कोई सियासी काम नहीं था लेकिन मुकादर रोपड़ी जो थे ना वो रोपड़ में भी सियासी तौर पर जो है वो मुस्लिम लीग के साथ जो है वो फाल इसलिए रहे थे कि वहाँ एक ख़ानदान था जिनका एक फर्द जो है वो यहाँ अबूरी वजी अल भी बना था और इस वक्त उस ख़ानदान में से अगर आप जानना चाहते हैं तो ये डॉक्टर सईद ल एक साहिब हैं जो आम तौर पर डॉक्टरों की सियासत में बहुत आते हैं ये उसी ख़ानदान के हैं और ये ख़ानदान जो है ए, जो ये इस ख़ानदान के साथ बहुत जो है वो ये सियासत में थे और ये भी आपको बताऊं कि अमृतसर के अंदर जब हम आए हैं तो हमसे पहले जो गाड़ी थी ना इस खानदान को पूरी एक गाड़ी में सवार करा के जो है ये पाकिस्तान में ले जाया जा रहा था उसके बाद फिर साजिश ये की गई कि पूरी गाड़ी जो है वो सिखों ने कत्ल कर दी थी तो इनमें से बहुत कम लोग बचे थे तो इस खानदान के एक बचे कुचे आदमी जो हैं ये शहीद रही हैं इसको तो अगर अगरचे वो सियासत में है इसलिए मेरा उनसे रबा कम होता है लेकिन गाहे बगाहे मुलाकात हो जाती है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तस्वुर जो है ये उभरा कि इसके लिए अगर कोई निज़ाम हो तो शरी हो जमादार जिसका तसवुर यही था कि शरी निज़ाम हो तो शरी निज़ाम के लिए जो है वो एक बुनियाद है वो ये है कि किताब से उसका दस्तूर होता है अब ये जो बातें थीं वो सारी की सारी सुनी हुई थी तो हुआ ये कि इस इंतख्य के तकरीबन डेढ़ साल भी नहीं सवा साल बाद मौलाना मीदीन लखवी के वालद मौलाना मोहम्मद अली लखवी जो मदीना मनौरा में होते थे और मैं शायद आपको बता चुका हूँ कि उनसे मेरा काफ़ी गहरा ताल्लुक़ था मैं ये सनीत के बिल्कुल सामने इनका घर था मैं अक्सर पैदल जाता और उनके पास घंटों बैठता तो ये जब यहाँ आए तो फिर मौलाना मई द्दीन मौलाना दाऊद गजनवी ने जो है वो बताया कि जमात का जो इंतशार है वो आपके बेटे की वजह से हुआ है कि वो मुकाबले में जमात अल्दीस के अमीर हैं और किसी तरह इस फितने को आप ख़त्म करें तोाहिर है कि जब उन्होंने बेटे से बात की जी आप मेरे बाप हैं तो इसलिए आप जैसे कहते हैं मैं तो उसके लिए तैयार हूँ तो फिर ऐसा हुआ कि मौलाना दाऊद गजनवी और मौलाना जो मदिन लखवी थे इन दोनों ने उनको अपना सालिस बना दिया कि आप फैसला करें कि शरी नज़ाम क्या होता है वैसे तो यह तस्वुर तो जो है ये दुरुस्त नहीं है कि कोई आम दीन जो है वो शरीयत की ताबीर को मुतिन कर दे और हम उसके पाबंद हों लेकिन वो लफ्त इसलिए सालसी का लाया गया कि वो ताकि अदालत का तस्वुर आ जाए हालाँकि सालसी जो होती है उसका और अदालती निज़ाम का भी फ़र्क है सालसी के अंदर ये नहीं देखा जाता कि हकीकत ये नहीं, सौ फीसद हकीकत सामने नहीं होती बल्कि असल मकसूद ही होता है कि ये लोग आपस में मुफामत कैसे करते हैं और इसका जो निज़ाम है वैसे वो भी अलग है इसका निज़ाम यह है कि बहन खिफ तुम शिका का बन हिमाफा बासू हकमा में नहाकाम में नहा तो सालसी निज़ाम का तस्वर यह है कि एक नुमाइंदा इधर का और एक नुमाइंदा इधर का और यही वो निज़ाम है जिसके जो है वो हजरत अली रजी अल्लाह ने और अमीर मुआविया ने जो है वो ये इस निज़ाम के तहत जो है वो अपने नुमाइंदे मुकर किए थे वो अलग बात है कि उसका नतीजा जो है वो क्या निकला लेकिन ये साथी निज़ाम भी ये है लेकिन अब जो कुछ हुआ मैं आपको वाकयाती दौर तो पर बताना चाहता हूँ कि मौलाना मई लखवी सालिस बन गए जब वो सालिस बन गए तो सारिस बनने के बाद और ये वो जब सालस बने हैं तो ये तहरीर जो सालसी की लिखी गई है ये चौदह जनवरी उन्नीस की है तो मैं उस वक्त तनजीमार जिसका एडिटर था इसलिए सारी चीज़ें जो है वो मैं ही छापा करता था तो उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो कुछ कुछ छः महीने के बाद जो है वो पाँच महीने के बाद फिर एक फैसला किया और ये फैसला जो है ये मई सठ के अंदर हुआ है उन्होंने इसके अंदर जो है वो ये बात जो है वो शुरू कर दी कि असल निज़ाम जो है वो क्या है उन्होंने लेकिन ये जो बुनियादी तस्वुरा लीस का ये अल्लाह का शुक्र है कि उनके जेहन में था तो उन्होंने जो है वो इसके अंदर ये कहा कि ये जो दोनों नजम है मैं इनको तो ख़त्म करता हूँ लेकिन यह है कि आप ऐसा करें कि दोबारा जो है वो इंतखब कर लें और उस इंतखब के अंदर जो है वो आप बुनियादी तस्वुर आपका ये होगा कि सुन्नत जो है वो आपकी बुनियाद होगी और इंतजामी अमूर में जो है वो मशवर किया जाएगा ये उनके अल्फाज जो है वो ये हैं कि जदीद अमीर मंतख करें जो जमात को किताब सुन्नत पर चलाए और इंतज़ामी अमूर में मशवर से काम करे जैसे रसूल सलम ने जंग में अमल किया लेकिन चूंकि उन्होंने शरी बा शुरू कर दी अब शरीफ बास में उनका वो मुकाम नहीं था इसलिए कि उसके अंदर तो वो मौजूद थे जो उनसे बहुत ज़्यादा वजनी थे इलम के अतबार से आपसदुल्ल् मोहदड़ी हों या आप मोहम्मद गोंदलवी हों तो इसलिए जब उन्होंने जो है वो शरीबाश शुरू कर दी तो इसके अंदर उन्होंने एक उलझन जो है वो ये पैदा कर दी कि उन्होंने एक हजरत उमर रजी अल्लाह का एक कौल जो है वो ढूंढा और ये कौल जो है ये असल में मौरनाश्मल्फ़ी की जो तहरीरें हैं ये जो दस्तूर है जमींदार जिसका इस शुरू में उनकी एक तहरीर जो है वो शाया हुआ करती थी उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इस्लामी निज़ाम ये है कि जिधर अक्सरीत हो उसके साथ हो जाऊँ हालांकि ये जो तस्वुर है अक्सरीत का ये असल में इस्लामी तस्वुर नहीं है इस्लाम तो के अंदर तस्वुर तो क्वालिटी का है क्वालिटी और क्वांटिटी का है ही नहीं इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि हमारे दस्तूर की रूह से कभी भी दीन जो हैं वो इस मुल्क में कोई असीयत नहीं रखते उसकी वजह यह है कि यहमाय दीन के बग़ैर जो है ये फैसला करना पड़ेगा कि किताब व सुन्नत की क्या असीत है अब चूंकि आप लोगों को पता नहीं है वो कहते हैं हमारे मुल्क में किताब व सुन्नत की आला हैसीत है बल्कि आदि शाम का जो पिछले हफ़्ते का इदारा है मैं चाहता था इन को बुलाऊँ ख़ास तौर तो पर जो हम हमारे साथी कारी कई के का बेटा है तो उसको बताऊँ उसने लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो किताब सन्नत नाफिज है ज़ाहिर है कि नई उम्र है उनको क्या पता है और ये जो जेन है कि पाकिस्तान के अंदर किताब सन्नत का नफादा है ये असल में कानूनदारों से ही मैं चुके मैंने पचास साठ साल कानूनदानों के साथ गुजारे थी मुझे पता है कि वो मेरा मजमून ही अगर आप देख लेना जो आज से तीन साल पहले मई उन्नीस सौ दो हज़ार सत्रह में छपा था अदालती निज़ाम के बारे में उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें वादे कर दी हैं कि किताब सुनत जो है वो असल में इस्लामी हुकूमतों का निज़ाम होता है लेकिन मौलाना मोहम्मद अली लखवी साहब ने भी अपने फैसले में ये लिखा है लेकिन एक उन्होंने तरीक़ार के अंदर एक उलझन पैदा कर दी और कहा कि तरीक़ाकार ये है कि जब मशवरा होगा तो मशरे के अंदर अक्सरीत को देखा जाएगा अब ये उलझन जो उन्होंने पैदा कर दी और उसके लिए हवाला दे दिया हज़रत उमर रजी अल्लाह के उस कौल का जो फतुल बारी के अंदर मौजूद है तो उस वक्त मुझे ये इलम है कि जब ये फ़ैसला आया तो तंजीम अर्जी इसको भी जो है वो भेजा गया तंजीम तंजीमीस ही उस वक़्त जो था वो नुमाइंदा पर्जा था जमात अदीस का तो मैं उसका एडिटर था तो जब मैंने इस फैसले को शाया किया तो इसके नीचे फिर मैंने इतना लिख दिया इसलिए कि अभी ये बात चल रही थी बड़े ओलमा के दरमियान आप मुहदस रोपड़ी मरना आफम गोंदरवी साहब सारे जो हैं वो इस पर इतराज़ कर रहे थे कि ये गलत आया है ये बात गलत है तो उस वक़्त फिर मैंने उसके नीचे लिख दिया था इस फैसले के ऊपर फ़ी है नजर उनमिन जेहा से हाथे वगैरह रहा मतलब मैं वैसे पूरा फैसला मैंने शाये किया लेकिन यह लफ्ज मैंने लिख दिया अब मैं आपको ये चाहता हूँ कि जो बातें उस वक्त हुई मैं उनकी रोशनी में आज आपको यह बताता हूँ कि असल में जिसका जिसका ये जिक्र किया गया है कि अक, अकलियत जो है वह अक्सरियत की ताबेदारी करे इसकी असल बुनियाद क्या है बात यह है कि हजतुमर का ये कौल है अगरचे ये हदीस रसूल तो नहीं है लेकिन हजतुमर भी ये खलीफा राशिद हैं इसलिए उनका यह कौल जो है ये इस सिलसिले में ज़िक्र हुआ है जब उनको जख्मी कर दिया गया तो उस वक्त ज़ाहिर है कि उसके बाद मायूसी हो गई मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता तो उन्होंने फिर छः आदमियों को जो है मुकर्र किया था जैद बिन अबरबिनुल जो है जो इनके बैनवी थे उस तो उसमर के उनको नहीं शामिल किया और ना अपने बेटे को शामिल किया तो लेकिन बेटा तो खैर अखरा बशरा में से नहीं है लेकिन सैद बिन जैद बिन अबरबिनफैल तो अखरा बशरा में से है ना उनको निकाल दिया तो छह आदमियों की कमेटी बना दी अच्छा अब ये उस कमेटी के सिंथे में जो है ये आई है बात कि वैद तबी उल अकलरा अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सबसे पहली बात तो अल के का नजी है कि क्या ये रवायत साबित है सही बात यह है कि इसके ऊपर दो खास तौर पर तब बड़े अहम हैं एक तो यह है कि यह रवायत साबित नहीं है, चूंकि इसका ताल्लुक असूल अदीश से है। मैं इसलिए आपको इसका मुखरसा जो है वो तबसरा बता देता हूँ कि यह रवायत क्यों साबित नहीं है असल दूसरा इसका नुकता जो है कि क्या इस हिदायत पर अमल किया गया ये असल में दो चीज़ें ऐसी हैं जो इसको मशकू पर हैं हाँ इस पर इस पर अमल नहीं किया गया इस तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया गया तो इसका माना यह हजुमर ने अगर ये कोई फैसला कर दिया था तो उनके कार पर अमल होना चाहिए अच्छा अब जहाँ तक इसका ताल्लुक है ना इसकी रिवायत का उसके बारे में मैं अगरतः लंबी बात है मेरे पास तो इस वक्त जो है वो पूरी बात मौजूद है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि असल बात जो है वो क्या है बात यह है कि यह हदीस जो है ना कि हजतुमर रजी अल्लाह तुमने छः आदमियों को मुक्र किया था और उसके बाद उन्होंने कैसे जो है वो ये सारे अपने काम किए ये तो सही बुखारी में मौजूद है और इस सही बुखारी में जाहिर जो चीज़ मौजूद हो तो अली दर्जे की है और ये रवायत है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन असम जो हैं ये रवायत करते हैं हजरत जवैरिया से जवैरिया जो है मैंने इसलिए हजरत का बोला ताकि को कोई ना समझे कि इससे मुराद कोई औरत है ये मरद का नाम है और जवैरिया जो है ये माम मालिक से रवायत करते हैं तो इसलिए इस रवायत के मुलिक जो है ये बुखारी की रवायत है और इसका जो बाब है वो ये है कि किताबुल फितर में इमाम बुखारी ने इसका जिक्र किया बाबो कैफा यूबाईमामा इमाम कैफा यानी लोग इमाम की बैत कैसे करें इसके अंदर जो है इस रवायत को लाए हैं इसके अंदर ये जिक्ष कहीं जिक्र नहीं है वही तबी अब मैं आपको एक दूसरा पहलू बड़े वालमाँ के कुछ नवादरात होती और उसका नाम है कि गराइब इमाम मालिक दारकूतनी की किताब है ये इस वक्त ये किताब मौजूद नहीं है इसी एक पूरी बात तो मेरे सामने नहीं आ सकी इसके अंदर जो है वो बाज मेरे शागिदों ने मेरा तावन भी किया है तो लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि ये जो गराइब इमाम मालिक है गराब का बानी बानी कौन है क्योंकि गरीब का मना होता है नवादरात ये रवायत जो है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अस्मा की ये तो जाहिर है कि बुखारी की रवायत है इसके अंदर ये लफजाई नहीं और तरीकेकार भी जो है वो बिल्कुल और है इस तरीकेकार की जो है वो तामीर भी नहीं की गई तो असल फिर इसके अंदर किसके ऊपर बुनियाद है वो जिसके ऊपर बुनियाद है उसका नाम है अल्लाह अल्लाह सईद आमिर यानी सईद बिन आमिर बिन आमर की रवायत गरायब का माना यह होता है कि सईद बिन आमिर तनहा है इसके अंदर सईद बिन आमिर के साथ कोई इसकी तयद करने वाला नहीं है तो अब जो तन्हा हो उसके लिए ये बड़ी अहमियत रखती है कि वो तन्हा हो तो फिर बड़ा ही मजबूत आदमी हो भैया अगर एक बहुत आला किस्म का एक आदमी है जो सिक्क़त सप्तन हो या सक़त हाफिजुन के दर्जे का हो जैसे इबिन हजर ने तकरीब तकरीब के अंदर जो है वो सारे तबके मुकर दिए हैं और उनको कहा है कि इस तबके के लोग जो है उनका ये मुकाम है इस तबके के लोग हैं जो उनका यह मुकाम है तो उसके अंदर जो है वो आ, मैं इस वक्त सिर्फ नाम लेकर आपको बयान कर देता हूँ कि तिरमिज़ी की इलल पर दो किताबें हैं एक तो इलल सगीर है जो तिरमिज़ी के साथ ही लगी हुई है जब हम जो पढ़ते हैं ना तिरमिजी उसके साथ लगी हुई है इलल सगीर और एक है कबीर इलल कबीर इलल के अंदर जो है वो इमाम तिरमिजी ने इसका जिक्र किया है इस रवायत का और उन्होंने इस रवायत का नहीं ये जो सईद बिन आमिर के ऊपर तबसा किया है वो कहते हैं सईद बिन आमिर जो है ये आदमी जो है ये गलत ये उनके अल्फाज हैं और ये अल्फ़ाज इमाम तिरमी ने इमाम बुखारी के नकल की है कि माम बुखारी का तबसरा ये है कि सईद बिन आमिर जो है ये गलत है ये गलतियाँ बहुत करता था हमारे जो रवात के जोफ की बात है ना फन हदीस के अंदर उसके अंदर इसको कहते हैं कि मुंकरुलहदीस मुंकर हदीस दो मानों में आता है हमारे मुस्तरात के अंदर एक आता है कि जो बड़ी बड़ी फोश गलतियां करे और इसके अलावा जो है वो वो अपने अमल के अतबार से या यादे के अतबार से फासिक दर्जे का हो और इसके उसकी बारे में ये भी आता है कि कसीरुल ग़लत फो कसर गलत भी है और दूसरा जो है वो ये तीन किस्में हैं तो इनके मतलब ये इबन हजर ने कहा है इनको मुनकर लदीस कहा जाता है एक इस तरह के मुताबिक और मुनकर की एक इस तरह ये है कि ज़ीफ़ रावी जो है वो शिका की महाल्फत करे एक होता है शाज़ शाज़ में होता है जो जो शिका रावी है वो ओसक़ की मखालफत करता है और मुनकर उसे कहते हैं कि जब एक ज़ैफ़ रावी जो है वो शिका की बखारी इमाम बुखारी जब बोलते हैं तो उनकी मुराद क्या होती है कि वो रावी जो है वो इस मीर का नहीं होता इसलिए कि इमाम बुखारी इमाम बुखारी क्या तो खैर मीर ही बहुत बुलंद है लेकिन इमाम बुखारी जो है वो इसको जो है फो फोशुलत कसर और इसी तरह फिसक इन चीज़ों को जो है वो इन रावियों को कहते हैं कि इनका दर्जा जो है ये मुनकर हदीस का होता है तो इसलिए जब इमाम बुखारी किसी को मुनकर जो है वो जिक्र किया है लेकिन सारा जो मेरे सामने इसको बास है उसके अंदर ये तिरमिजी की जो इरल है ना उसके अंदर ही जिक्र है और है भी सारा इमाम बुखारी के हवाले से एक तो उन्होंने ये मेरे सामने चीज़ है दूसरी चीज़ ये है कि इमाम तिरमिजी कहते हैं मैंने इमाम बुखारी से कहा कि आपकी बिन आमर के बारे में उसके अदीज़ के बारे में क्या राय है तो उन्होंने कहा कि असल में इसके अहाम ज्यादा है ये वाम जो है इसको आमतौर पर जो है वो छठे दर्जे में बयान करते हैं और इसका जो है वो इलाज क्या होता है वाहम का कि वाम का इलाज जो है वो सिर्फ माहिर लोग कर सकते हैं इसलिए कि वाम एक ऐसी गलती होती है कि आदमी कहने को कमजोर नहीं होता लेकिन वाम तो किसी को भी हो सकता है कोई मुगालता लग जाए वाम का माना मुगालता है मुगालता तो किसी के भी लग सकता है लेकिन वो आदमी जिसको ज़्यादा मुगालता लगे फिर मुहदसिन उसको नहीं लेते तो इसलिए उसकी रवायत को फिर मालूल कहा जाता है मालूल या मअल तो इसलिए ये मालूल की जो असला है ना हमारे यहाँ ये वाम के बारे में इस्तेमाल होती है तो ये आदमी जो है ये इसके अहम है तो इस वजह से है भी तनह और कसीरगलत भी है इसके आहान भी हैं और एक बात मैंने आपको कल कही थी कि जो असूल होते हैं ना असूल हदीस फिका वो कमज़ोर रवायतों पर नहीं बनते और ये रवायत जो है वो गरीब भी है अगरचि हम ये तो नहीं कहते कि इसका तराखज़ है तराखज़ भी एक है लेकिन वो मैं अभी उस पर आऊँगा ये आपको मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि मेरे सामने जो है वो चूँकि लम्बी बात है मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमाम बुखारी के ही तबसरे हैं सारे और इसके इमाम बुखारी के अलावा इमाम तिजी ने इबन अभी हातम से भी जो है वो इस पर जो तबसे की है वो भी सारे यही हैं मस तीन तो मैंने यहाँ हवाले लिखे हुए हैं इमाम बुखारी के और एक दो हवाले हैं इबन अबी हातम के तो इबन हातम ने भी जो है वो शहीद शदबिन आमर के बारे में कहा है कि कुछ मामला के बारे में कि उन्होंने एक जो है वो रवायत बयान की एक रवायत की लेकिन वो जो र, रवायत है वो मुरसर है मतलब यह है कि मुरसर अजीफ रवायत होती है तो इसी तरह उन्होंने जो है वो कई रवायात जिक्र की हैं तो उसके बारे में वो यही कहते हैं कि कि इनकी रवायात जो है वो उस मुकाम की नहीं है लफ्ज़ से जो है वो उन्होंने भी यही इस्तेमाल किया है कि इनकी जो बात है यानी मकसूद यह है कि अकेले की बात जो है ये मैारी नहीं है तो वैसे तो हमने कोशिश की है कि किसी तरह जो है वो हमें मिल जाए लेकिन हम तलाश के अंदर हमें ये इलम हुआ कि अब जो इमाम मालिक जो किताब है ये मौजूद ही नहीं है लेकिन इबन अज़र के सामने होगी ज़ाहिर है उन्होंने उससे बात ली है लेकिन इबन अज़म ने जो है वो इस पर कोई अमल बिल्कुल तरीक़ाकार क्या हुआ है कि छः आदमी जब है की वफात के बाद इकट्ठे होकर बैठते हैं तो तीन आदमियों ने कहा कि जी हम तीन के अक में दस्तरदार होते हैं उसके अंदर ज़ुबैर ने कहा कि मैं हजरी के अक में दस्तरदार होता हूँ और ने कहा कि मैं जो है माविया के हक़ में दस्तदार होता हूँ और सात बिन वकास ने कहा कि मैं जो है वो अब्दरमान बिन ऑफ़ के हक़ में दस्तदार होता हूँ मतलब ये हो गया कि छः के तीन रह गए तीन दस्तरदार हो गए उसके बाद अब्दरमान बिन ऑफ करने लगे बाद ये है कि मुझे तो इस जो है वो कोई दिलचस्पी नहीं है खिलाफत से इसलिए अगर आप का मामला यूं हल हो जाए कि आप तीन हम हैं मैं दस हो जाता हूं लेकिन इस शर्त पर कि फिर आपका फैसला मैं करूंगा तो क्या हुआ कि अब्दुलरम बिन औफ और उस्मान और हजरत अली जो है वो बाकी रह गए अब अब्दुलरमान बिन औफ को उन्होंने कहा जी ठीक है चलिए खुद निकल जो गए आपको पता कि यह बात जो है कितनी अहम होती है कि जब इंसान निकल जाए जब हजरत हसन रजी अल्लाह तु ने मीर मावे के सामने ये कह दिया था कि और उन्होंने एक ही शर्त उसमें जो है वो लिखी क्या कि आप किताब सरंद होंगे तो ये ऐसी अलग चीज़ है जिसके मतलब हमारे अर्दीस जो अपने आप को अकाबिर कहते हैं उनको ये समझ नहीं आती कि किताब सरन दस्तूर बन सकता है कि नहीं इसकी वजह जो है वह असल में वही गंदी सियासत है जिसके अंदर वो पढ़े हुए हैं तो मैंने आपको ये बताया कि जो तरीक़ार इस्तेमाल किया गया है वो भी बिल्कुल और था तो इसके बारे में जो है मैं एक लफ्ज़ ऐसा है जिससे बाद लोग बुगालता खा सकते हैं वो ये है कि किब्दुलरमान बिन ओफ वो आखिरी सुबह यानी ये, ये बहुत दिन जो है ये से करता रहा फिर एक जो है वो रात आखिरी जो आई थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही मुलाकातें आपस में हुई हैं तमाम को बुलाया तरी से भी गुफ्तु की तस्मान से भी की औरों से भी गुफ्तु की बिन ऑफ़र कहते हैं कि मैं तो तीन दिन हो गए हैं है, मैं सोया नहीं हूँ अब्दुल्मा कहते हैं और कोई किसी के पास आए थे तो वो सो रहे थे कहने कि तुम सो रहे हो मैं तो तीन दिन से जो है वो मैं। मैंने कोई नींद नहीं की नहीं कोई ऐसी नींद नहीं की जिसके साथ जो है मेरी थकान उतर जाए लेकिन यह है कि यह फैसला जिस दिन हुआ है तो उन, उनका फैसला उस दिन ये था बिन औफ का कि असर बात यह है कि लोग जो हैं बहुत उस्मान के बराबर किसी को नहीं समझते ये उनके अल्फाज हैं कि मेरी जो है वो उन्होंने ये बात कही कि मैंने जो बात समझी है वो ये है कि मैंने लोगों का जायज़ा लिया है और लोगों का जायज़ा लेने के बाद जो है मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो है वो हजरत उस्मान के बराबर किसी को नहीं समझते यहाँ भी लफ्ज़ फिर क्वालिटी आ गई ये नहीं कहा कि अक्सरियत उस्मान के साथ है अक्सरीत की बात होती तो फिर तो लोगों को गिना जाता बस उन्होंने कहा कि लोगों की नज़र में जो है उस्मान की जो हमीयत है वो तरीक़ी नहीं है बस ये बात जो है वो जब उन्होंने कही और साथ ही कहा कि है उस्मान मैं आपकी बैत करता हूँ उसी पर बैत हो गई फिर सारे बैत कर ली मामला ख़त्म हो गया तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि ये जो तरीक़े का है ये भी बता रहा है कि तुम्हार की यह हिदायत नहीं थी तो कहने का मेरा मखसूद असल में यह है कि इस फैसले के अंदर जो बात आई थी ना कि जब तभी उफलरा ये उसूल नहीं है इसके बारे में मैंने जो है वो आपको कल जिक्र तो आया था लेकिन मैंने उसको वाजे नहीं किया था हमारे दस्तूर के अंदर बाद ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर क्वालिटी की बात तो हुई है लेकिन जमहूत के अंदर कोई ऐसा कार नहीं है क्वालिटी का मिसाल तौर पर इकबाल ने कहा है जी के पार्लियामेंट के अंदर ओलमा का एक ग्रुप होना चाहिए अब आप ये बताइए कि होना तो चाहिए वो मंतख कैसे होगा ही बताइए कोई तरीका है ही नहीं भाई वो बिल्कुल और है इस्लामी नजरिया कौनसल की तो कोई हैसियत ही नहीं है वो तो सिर्फ इसम्बली को मशवरा दे सकती है लेकिन उनका कोई ये काम ही नहीं है कि वो मशरे के अलावा कोई और काम करे और उनके मशरे पर इसम्बली अमल करने की पाबंदी नहीं है क्या हैसीत उसकी तो आज ज, 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 आप असल में बात लंबी हो जाएगी वक्त थोड़ा है नजरिया कौंसिल की जो है आप मेरा मजमून पढ़ लीजिए इस्लामी नजरियाती कौंसल की कोई हैसीियत नहीं है उसका काम सिर्फ इतना है कि वो नजरियाती कौंसल जो है वो उसको सबसे पहले तो भेजा जाएगा मामला शरीयत के मुताबिक फिर उसके बाद जो है वो इस पर राय देगी और उस राय के ऊपर जो है वो कोई पाबंद नहीं है कोई उसको फेंक दो इस्लामी नजरिया काउंसिल जब से बनी है तकरीबन आज में समझिए पचास साल हो गए हैं आज तक उसका कोई एक मामला भी नहीं माना गया इसलिए उसकी असीद कुछ नहीं है गैर फालकेलावा उसके कानूनी इख्तियार नहीं है भाई दस्तूर के अंदर जो कानून बनाया गया है ना उसके वो सारे वो सारी दफादत आती हैं कि उनके इख्तियारतियाँ नहीं है इसलिए बजाय इसके कि आप इस बात से मुझे एक और तरफ ले जाएं मैं एक बड़ी अहम बात है आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि यह अकल अक्सरा का जो उसूल है यह असल में क़वत का असूल है क्योंकि अदब की जब बात आएगी तो क़वत की बात आएगी इसलिए हमारे यहाँ क्या होता है हमारे यहाँ जो पार्टियाँ बनती हैं वो असल में कवत की आराम होती हैं अब आप देखिए कि इस वक्त क्या हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर इमरान खान उसके पास एक कुवत है कौन उसके पीछे पीछे मैं इस पर वो सियासी दफ्तर नहीं करता लेकिन उसके मुकाबले में कुवत पैदा की जा रही है हर मतलब झगड़ा एक ही है कि हमारे ऊपर जो केस है अगर हमारी कुवत बन जाए तो हम सब के साथ बढ़िया इसलिए कि सियासतदान तो कभी बुझरा होता ही नहीं तो इसलिए इस, इस वक्त पूरी दगोदो ये हो रही है कि इमरान खान के खिलाफ या तो अदम एतमाद कर दिया जाए लेकिन इसके हालात नहीं है तो इसके लिए मैं आमतौर पर ऐसे तबसरे पढ़ लेता हूँ वैसे तो अखबार नहीं पढ़ता लेकिन ऐसी चीज़ में पढ़ लेता हूँ इस वक्त सूरत नहीं राहुल में देंगे क्या मतलब उसका मतलब वाजह है कि अब हम हम फौज का जो जी एच क्यू है वहाँ धरना देंगे और आपको पता ये धरना शिया ने दिया था जब अयूब खान ने अपना जया अखर जब निज़ाम निज़ाम जक़ात जारी किया था तो उसको शिया ने धरना दिया था जी एच क्यू हाँ जी एच क्यू का और जाहिर है कि ब्यूरोसी की सारी सादिश थी वना जी एच क्यू का धरना देना कोई आसान है तो, चलिए जी मैंने आपको ये बताया है कि ये जो असूल है ना जो खास तौर पर मौलाना इसम सलफी साहब के मज़ामीन में है ये असूल जो है ये गलत है ये हदीस जो है ये इस, इस मैार की नहीं है कि इसको उसूल के तौर पर जो है वो पेश किया जाए इसीलिए मैं आपको बासठ तिरसठ की बात मैं बताना चाहूँ आर्टिकल जो बासठ है तिरसठ है उसके अंदर क्या है कि असम्बली के मम्बरान जो हैं वो परहेजगार होंगे और सदका और, और अमीन होंगे और इसके अलावा जो है उनको शरीयत का खातर ख़ाह इलम होगा लफज अंग्रेज़ी जबान के एडिकेट नॉलेज एडिकेट नॉलेज का माना खातर ख़वा जितने इलम की ज़रूरत है वो उनको होगा अब आप ये बताइए कि इन आदमियों को जरा तो इकट्ठा कर लें आप इनमें से कितनों के पास जो है वो दीन का इलम है जो हैं वो भी जाहिर बने हुए हैं इसलिए कि हमारी असम्बली में तो आदमी वो आता है जो गलत किस्म का हो आप देखते हैं कि पीटीआई के अंदर मुफ्ती अब्दुल कवी था जिसने चंद दिन पहले उसके खानदान ने उसके साथ क्या किया है उसका काम ही यह है कि गंदी औरतों के साथ उसका आते इसी तरह मैं नाम नहीं लेना चाहता जो आदमी सियासत में चला जाए हकीकत दिया गया वो कभी साफ नहीं होता इल्ला माशा फिर भी कहना चाहिए इसलिए कि मौलिमीद्दीन लखीवी तो आखिर सियासत में आए थे ना इस तरह मेरा यह जहन है कि मौलाना अब्दुल्ला जो है ना कोड़ा खटक वाले इनका एक मुकाम था लेकिन असल बात जो है वो मुकाम की नहीं है कि वो दीनदार थे ये तकबे वाले थे असल बात ये है कि इन लोगों के नज़दीक शरीयत कुछ नहीं है ये असल में चूँकि फिका का कायल है और फिका तेरह सौ साल से जो इनकी फ़िका है उसके अंदर कहीं से कोई कॉल मिल जाए वो इनके लिए जो है वो काम दे जाता है इसलिए किताब सुन के तो वो पबंद है ही नहीं आल राय का काम ही यह है कि वो फा में से कहीं कोई कॉल मिल जाए उनको वो ले लेते हैं और लाखों इख्तलाफ़ करोड़ों इख्तलाफ के अंदर एक कॉल मिलना है इसी क्या है तो इसलिए मैंने ये उम्मीद करता कि इसके बारे में कोई आदमी जो है वो हुज्जत कायम कर सकता है हुज्जत क़ायम करने के लिए ज़रूरी है कि एक आदमी सबसे पहले सियासत में ना हो और उसके अलावा जो है वो किताब व सुन्नत को अपने लिए समझता हो फिर इंसान जो है वो गुम से बच सकता है लन लंदुमात बस तुम बेह इसीलिए इमाम बुखारी ने एतसाम बिल किताब व सुन्नत का आखिरी बाब जो है वो इस पर कायम किया है और उसके अंदर ये उन्होंने वजात कर दी है कि तीन शर्तें हैं एक तो यह है कि जो जायज़ काम है सिर्फ उनके अंदर मशवरा होगा मुबाह और दूसरी बात उन्होंने यह बात कर दी है कि अमीन होंगे, अमीन होंगे। और तीसरी उन्होंने उलवा होगी तीन चीजें उन्होंने कहा कि ये तीन शर्तें जो हैं वो होनी चाहिए जो शुरा के लोग हैं बाकी ये रहा कि शुरा की कोई मजलस बनाई जा सकती है कोई पार्लियामेंट हो या कोई इदारा बनाया जा सकता है असल बात यह है कि इनके बारे में मैं आपको इसलिए इसको तफसील में ले जाना चाहता कि ये जो है ना नजमो नस् कैम करना ये तमदनी मसला है ये तमदनी मसला है इसका तल्लु शरीत से नहीं है तो इसलिए तमदनी जो मसाइल होते हैं वो उनके बारे में शरीयत जो है वो मुदाखरत नहीं करती ज़्यादा मुदाखरत नहीं करती हाँ अगर बुनियादें गलत हों जैसे कि तमदन के अंदर तहजीबी सिर तो किरदार भी आ जाए तो फिर तो शरीत करती है और ये आपको मैं बता चुका हूँ कि प इतनाज़ा तुम फीस शयिन के अंदर जो है जब शह से मुराद तमाम किस्म के मामलों हैं तो उसके अंदर तो फिर हर एक की बुनियाद जो है वो शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए लेकिन अब जो मसला बड़ा बन गया हुआ ना वही है कि खिलाफत के जाने के बाद किताबों सुनो तो है ही नहीं अब जब किताबों सुन नहीं है अब उसके बाद फिर आप, आपके पास फिका रह जाती है तो फिका में जो है वो आप गंदे से गंदा कौल जो है वो आप ले सकते हैं और अगर वो गंदा ना भी हो तो उसका हीले से वो माना करें जो गंदे से गंदा माना हो जैसे कि हमारे यहाँ किया है ना ये भी हिला है जिसको हल कहते हैं कि जी वो औरत एक रात के लिए जो है किसी से जो है वो निकाह कर ले एक रात क्या पाएगी एक घंटे के नहीं कर ले बस हम बिस्तरी हो जाए उसके बाद वो जो है वो हलाला बन गया तो इसलिए अब ये बताइए कि को कोई शरीफ आदमी तस्वुर कर सकता है कुरान मजीद तक क्या तस्वुर है इन ला लाया बिलफाशा यानी शैतान का पहला काम क्या है फाशी कैसे है लफ्ज़ वो आठवें पारे के अंदर याबन आदम शैतान कम आखर मिन जन्नत हुमा लिबास हम लिय हम सऊआत हिमा इन्नरा हुआ बबील हून तुम इन्ना जालन शयातीना औ आगे पढ़िए हाँ वही फ़ाल फ़ाइशन आलिहाबाना वल्लर बिल्फाशाह अब ये हलाला जो है जिसको कहते हैं कि ये शरी ये फिका है नाम तो फिका का शरीर तो रख लेते हैं ना ये बताइए कि ये फाशी इस्लामी हो सकती है कोई गारतमंद आदमी जो है वो कहे कि जी हाँ मुझे याद है कि हमारे एक हाँ एक लड़का पढ़ता था उसके घर का फितना ये था कि उसके बड़े भाई ने जो है वो अपनी बीवी को जो है वो तीन तलाकें दे दी तो माँ बाप ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हलाला कर लेते हैं तो हलाला किसी और से नहीं करवाते उसके छोटे भाई से हलाला करवा दिया उसके साथ अब सूरत आ रही है कि जिस औरत का जो है वो मामला एक दफ़ा छोटे भाई से हो गया है अब उसको छोटे भाई से क्या शर्म लग गई है अब फितना छोटा भाई बन गया था तो बड़ा भाई ये बर्दाश्त नहीं करता था कि इस छोटे भाई को जो है वो मेरे ए, मेरे साथ रहे इसलिए वो मसला चूंकि मेरे सामने आता रहता था इसलिए मैं समझता था कि कैसे आप ये बताइए कि औरत की एक एक ही होती है इसमत की बात जब एक दफा इसमत दरी हो गई फिर कौन और कौन सी दादा वाक्य आप सुन रहे हैं कि वो एक लड़की जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की जो है वो स्टूडेंट थी उसका साथी जो है उसामा और मरियम का ये वाक्य जो है अखबारों में जो आ रहा है उसको जो है वो जाहिर तो है ताल्लुका तो कायम होते हैं हमल हो गया उसके बाद फिर बीवी भी जो है किसी और के साथ रहे तो कोई जरूरत नहीं है सारा बिगाड़ तो बेगाड़े कानून का है ये सारे को ये के नहीं नहीं मैं बल्कि ये नहीं कहता जिन्होंने फ़िका को जो है वो एक ऐसी दे दी है उसके बाद सेकुलरिज्म जो है उनके लिए क्या दूसरी चीज़ रह गई है अब ये असल में जमहूरीत वगैरह ये तो फिका के मसाइल नहीं है ये मसाइल तो असल में सेकुलरिज्म के हैं तो सेकुलरिज्म जो है वो अब हमारे यहाँ मुसलत है तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सेकुलरिज्म का मुकाबला करना है और अल्लाह हमें जो है वो इस मामले में तोफ़ीक दे रब्बिल आलमीन